नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको आंकड़े चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े इसलिए दिखाई जा रहे हैं कि ये जो चुनाव हुए हैं इसके बाद कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार, एनडीए बनाएगी या इंडिया गठबंधन बनाएगी। दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो भारत की सबसे चर्चित सीट रही है, जिसको लेकर एनडीए लगातार अपना बिगुल फूंकता रहा है कि हम 400 के पार जाने वाले, अयोध्या लोकसभा सीट। और अयोध्या और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट, दोनों सीटों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैसे इंडिया गठबंधन बना सकता है सरकार और कैसे एनडीए बनाएगा अपनी सरकार। तो दोनों के समीकरण को आपको हम समझाने वाले हैं, क्या मामला है, कैसा पेच फंस गया है और पेच ऐसा फंसा है कि किसी तरह भी बाजी जा सकती है। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की, जो अयोध्या के बगल की लोकसभा सीट है, जहां पर लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा 5,44,959 वोट पाए, जो कि भारी बहुमत था, और लगभग 1,37,000 वोटों से जीते। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रितेश पांडे रहे और लालजी वर्मा ने लगभग 1,37,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बहुत ही भारी अंतर से लालजी वर्मा यहाँ से जीते हैं। और हम लोग बात करेंगे लालजी वर्मा के बाद, अब बात कर लेते हैं अयोध्या लोकसभा सीट। अयोध्या लोकसभा सीट जहां से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह थे और लल्लू सिंह करीब 51,000 से यहां से हार जाते हैं और बीजेपी कैंडिडेट यहां पर 51,000 से हारता है अयोध्या लोकसभा सीट, जिसको लेकर लगातार बीजेपी बिगुल फूंकती रही है, अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करती रही है। यहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, जिनके नाम आप लोग जरूर जानते होंगे, और अवधेश प्रसाद यहाँ से 51,000 वोट लेकर अयोध्या से जीते। अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद की, तो अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा सीट पर ये चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिला, अवधेश प्रसाद जो यहाँ से जीते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। तो जो मामला है आप लोग जानते ही होंगे, बिहार के नीतीश कुमार बाबू हमेशा पलटी मारते रहे हैं, अब पलटी मारने की वजह से अगर यदि वो पलटी मार के एनडीए से इंडिया में जाते हैं तो इंडिया मजबूत हो जाती है। और दूसरी जो दूसरा जो नाम है हम बताएंगे चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि दोनों के पास अच्छे खासे वोट हैं एनडीए में, अच्छे खासी सीटें हैं दोनों के पास में। अगर दोनों पलटी मार के एनडीए से इंडिया में जाते हो तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, और इंडिया गठबंधन इसके लिए लगातार कोशिश कर भी रहा है। और जो डाउट जो ज़्यादा हो जाता है कि ये हो सकता है, इसका ये कारण है, बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार को सभी जानते हैं, कब किस तरह से वो पलट जाएं कोई पता नहीं रहता है। तो पलटी जो मारते हैं, आप लोग आंकड़े नीचे देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आंकड़े आपको समझाते हैं कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है और बीजेपी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है। पूर्ण बहुमत में ना होने की वजह से जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो हो सकती है, और चंद्रबाबू नायडू भी इसमें एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। चंद्रबाबू नायडू को आप लोग जानते ही हैं, और नीतीश कुमार के बारे में तो ज़्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो कब किस तरह पलटी मार रहे हैं। और जैसे कि कुछ न्यूज़ चैनलों पर आपने देखा ही होगा, लगातार दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़े पद की मांग करते हुए दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, और ये लगातार वो करते भी रहे हैं। और वो बिहार की राजनीति में वो कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री वो कई बार बन चुके हैं, कुछ वो बड़े पद की तलाश में भी हो सकते हैं, और क्या होगा आगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जो समीकरण फंस गया है, और बात की जाए एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है, जब बनेगी और कैसे बन सकती है, एनडीए का जो है गठबंधन जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर पहले नंबर पर, जो कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उनके पार्टी के जो उनके एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ रहते हैं तो उनकी सरकार ये बनती नज़र आ रही है। बाकी पूरी कोशिश अमित शाह भी लगातार कर रहे हैं कि जो एनडीए के साथ में मिलकर भारत का अगला सरकार, भारत की अगली सरकार और भारत के अगले प्रधानमंत्री को बनाया जाए। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो ऐसे चेहरे हैं जिसकी तरफ पूरे भारत की निगाह है। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात जरूर बताने देना चाहूँगा, जो समीकरण अब ये हैं, इस समीकरण से किसी तरफ भी मामला जा सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। तो
आगे देखते हैं क्या होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो समीकरण आ रहे हैं, जैसा कि पता चल रहा है कि बीजेपी गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के कुछ लोग जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए बिहार जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, तो नीतीश कुमार वहाँ नहीं मिलते हैं। बताते हैं कि वो खाना खाने के लिए गए, अभी मुलाकात नहीं हो पाती है, और जब फ़ोन किया जाता है तो नीतीश कुमार फ़ोन को नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो घेरे में आ जाता है, और लगातार जो अफवाहें जो चल रही हैं, जो ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं, या वो अफवाह आप समझिए या चर्चाएं आप समझिए, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू को भी बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप लोग जानते ही हैं, चंद्रबाबू नायडू भी के बारे में कहा जाता है जिस भी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद उस गठबंधन के साथ में नहीं रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है और जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अब बात की जाए राहुल गांधी की, राहुल गांधी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन भारी सीटों को जीतते हुए आगे बढ़ा है और देश हमारे साथ में है, हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा और सरकार चलाएगा। तो लगातार कोशिश क्या है, दोनों पक्षों से तेज हो गई है, लगातार दोनों तरफ से तैयारियां होने लग गई है कि सरकार बनाया जाए। और आप देख रहे होंगे अमित शाह भी लगातार एनडीए के सभी जो गठबंधन के दल हैं उनसे बात कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के घर पर भी बैठक शुरू हो गई थी, और कल से ही कवायद तेज हो गई कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। ये सवाल सबके दिमाग में जरूर है, सरकार कौन बनाने वाला है। ये जो है मामला, अगर कहा जाए, ये जो बात है, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा करती है कि ये दोनों जिस तरफ जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कुछ भी हो सकता है, इंडिया गठबंधन भी बना सकती है सरकार, और एनडीए तो पहले नंबर पर है ही है, सबसे ज़्यादा सीट जीत कर एनडीए पहले नंबर की जो गठबंधन है। चलिए लास्ट में आप लोगों को हम एक जानकारी बता देते हैं चलने से पहले, जो अयोध्या लोकसभा सीट थी सबसे चर्चित सीट थी, और अयोध्या उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट और भारत की पूरी चर्चित सीट थी, जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बना और एयरपोर्ट बना और लगातार डेवलपमेंट के कार्य हुए, वहाँ पर जो कयास लगाया जा रहा था बीजेपी यहाँ से जीतेगी, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला अयोध्या से आया और अयोध्या से बीजेपी हारती है लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटों से। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहाँ से 50,000 वोटों से जीतते हुए आगे बढ़ते हैं और लल्लू सिंह यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। बात की जाए तो दोनों को कितने वोट मिले थे अयोध्या लोकसभा सीट पर, मैं आकर आपको बता, आंकड़े आ रहे हैं, जो समीकरण आ रहे हैं, जैसा कि पता चल रहा है कि बीजेपी गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के कुछ लोग जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए बिहार जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, तो नीतीश कुमार वहाँ नहीं मिलते हैं, बताते हैं कि वो खाना खाने के लिए गए, अभी मुलाकात नहीं हो पा